नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूं आपका भय न्यूज के 28 मई शनिवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। दुग्ध संघ मैनेजर के सूने घर के ताले चोरों ने चटका दिए। वारदात के समय परिवार अपने बेटे से मिलने गुड़गांव गया था। मजेदार बात यह रही, बाहर जाने से पहले मैनेजर ने जेवरात और नकदी बैंक के लॉक में रख दिए थे, जिससे चोरों को घर में कुछ नहीं मिला, उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घटना की सूचना के बाद छतरीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। आरोपियों की तलाश की जा रही है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र के वर्धमान नगर में रहने वाले दुग्ध संघ मैनेजर अमृतलाल पोरवाल अपनी पत्नी के साथ 8 मई को गुड़गांव में बेटे से मिलने गए थे। इसी बीच चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलग अलग कमरों में रखी 5 अलमारियों के ताले चटकाकर तलाशी ली, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और खाली हाथ उन्हें भागना पड़ा। पड़ोसियों ने जब घर के ताले टूटे देखे तो मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। गनीमत रही कि अमृतलाल ने बाहर जाने से पहले घर में रखे जेवरात और नकदी बैंक के लॉकर में रख दिए थे, जिससे बदमाशों को खाली हाथ लौटना पड़ा। छतरीपुरा पुलिस ने अमृत पोरवाल के भतीजे अतुल पोरवाल की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। संयोग से मेरे द्वारा जो भी आर्टिकल्स, जैसे महंगे आर्टिकल्स थे कुछ मेरे पास, मेरी वाइफ के पास सोने के की चीज़ें, वो मेरे द्वारा लॉकर में जमा कर दी गई थी। तो घर में न कैश था, न लॉकर में कोई सामान, एक मेन कीमती सामान था, इसलिए उनको कुछ ज़्यादा नुकसान तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन 5 अलमारियों का एक एक सामान को उन्होंने छानबीन की। सभी अलमारियों को, लगभग 5 अलमारियों को उन्होंने तोड़ा है, लॉक तोड़ के सारी सामान को जो है खंगाला है। और आज फरियादी भी आ चुके हैं और फरियादी के द्वारा भी लगातार मोबाइल पर उनके रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया गया और कल रात में फरियादी जो अमृत पोरवाल जी के भतीजे हैं अतुल पोरवाल, उनकी रिपोर्ट पर थाना छतरीपुरा में अपराध क्रमांक 308/22 धारा 457-380 का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही 8 बदमाश विजयनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों से हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपी एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाने वाले थे। पूछताछ में आरोपियों ने 15 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस ने उनसे 8 मोबाइल और 15 वाहन भी जब्त किए हैं। गिरोह के मुख्य सरगना सौरभ ने जेल से छूटने के बाद खुद का गिरोह बनाया था। विजयनगर पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि मालवीय नगर के मैदान पर हथियार लिए बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी सौरभ है, जिसने जेल से छूटने के बाद खुद का गिरोह तैयार किया था। अन्य आरोपी के नाम विक्की, मनीष, हर्षवर्धन, यशवर्धन, आदित्य, एनी और एक नाबालिग है। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह सुनसान इलाके में चाकू की नोक पर मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देता था और इसके लिए चोरी के वाहनों का इस्तेमाल भी करता था। आरोपियों से 8 मोबाइल और 15 वाहन बरामद किए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। 27 और 28 तारीख की दरमियानी रात हमने 8 आरोपियों को पकड़ा है, जो डकैती की योजना बना रहे थे। कई शोरूम में डकैती डालने की इनकी साजिश थी। ऐसे हमने 8 आरोपी हैं, सागर प्रजापति, मनीष सोलंकी, मनीष नानोरिया, सौरभ, हर्षवर्धन आदि को पकड़ा है। ये लोग बेसिकली मोबाइल लूट का काम करते हैं। कोई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये जो बात करते हुए जा रहे हैं उनको अचानक से झपट्टा मार के लूट लेते हैं। इस टाइप की ये वारदात करते हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल चोरी की भी वारदातों को इनने कबूला है। इन आरोपियों को जब घेराबंदी करके हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया तो इनसे कुछ रॉड वगैरह और चाकू बरामद हुए हैं। और इसके अलावा ये जो मोटरसाइकिल चोरी करते थे वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 8 मोबाइल बरामद हुए हैं इनसे। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले वृद्ध ने 26 मई को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने 50,000 रुपए का कर्ज लेने और एक महिला एवं उसके पति द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात लिखी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। परदेशीपुरा में रहने वाले 61 वर्षीय राम शरण वर्मा ने नेहा नामक महिला और उसके पति कृष्णा से 50,000 रुपए जरूरत के चलते लिए थे।
इसके बाद वह 14,000 रुपए लौटा चुके थे, लेकिन नेहा और कृष्णा उससे 1,000 रुपए प्रतिदिन के मान से ब्याज मांग रहे थे और नहीं देने पर बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे रहे थे। इसी के चलते मजबूर होकर उन्होंने जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेहा नाम की एक लड़की है। नेहा और उसके पति ने, इन्हें आवश्यकता थी तो 50,000 रुपए इन्हें उधार दिए थे और उस 50,000 के एवज में ये 14,000 रुपए उनको दे चुके हैं और सामने वाली पार्टी 1,000 रुपए हर दिन का ब्याज मांगती है। अदरवाइज उनका ये भी कहना है कि महिला कहती है कि हम बलात्कार केस में फंसा देंगे। इसी बात को लेकर मृतक ने अपने सुसाइडल नोट में अभिव्यक्त किया है कि मैं इस बात से लेकर परेशान हो गया था और इसी के चलते जो है मैं परेशान हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि उनके सुसाइडल नोट में एट द एंड ये चीज़ नहीं है कि इससे परेशान होकर मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कंटेंट लिखे वो इस तरह के कंटेंट थे। तो ये मामला मर्ग जाँच में है। इंदौर अपने जन्मदिन के लिए तैयार है। देवी अहिल्या होलकर की जयंती 31 मई को इंदौर शहर का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 मई से कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। मुख्य समारोह 31 मई को होगा जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल और कवि मनोज मुंतशिर प्रस्तुति देंगे। इस दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानदार और होटल व्यवसायी स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। इधर सराफा बाजार को भी राजस्थानी थीम पर सजाया जाएगा। यहां सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा जिससे ग्राहक गौरव दिवस को यादगार बना सके। इसके अलावा शीतला माता बाजार में साड़ियों से आकर्षक सजावट की जाएगी। हर दिन अलग अलग रंग की साड़ियों से सजावट की जाएगी। गौरव बाजार में भी लाइटिंग से सजावट की गई है। वहीं साठा बाजार में केसरिया ध्वज पताकाएं लगाई गई है। इसके अलावा व्यापारी अपने यहां आने वाले ग्राहकों को विशेष डिस्काउंट भी देंगे। हाँ, बाजारों को सजाने के लिए जो थीम है वो सराफे में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने उनको रजवाड़ी के तरीके से एक थीम रखी है जिसके अंदर हम पूरे राजस्थानी पैटर्न पे उसका श्रृंगार करेंगे, डेकोरेट करेंगे और एक सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं जिसमें गौरव दिवस के ऊपर जो यहाँ पे कस्टमर आएंगे वो अपने एक सेल्फी पॉइंट भी ले सकते हैं। शीतला माता बाजार के अंदर जो है वो साड़ियों से श्रृंगार करेंगे, अलग अलग थीम पे अलग अलग दिन जो है अलग अलग कलर से साड़ियों का डेकोरेशन करेंगे और बजाज खाना चौक, साटा बाजार, ये मतलब केसरिया पताका लगा के घोरा बाजार में लाइटें लग चुकी है, इन सब प्रकार के अलग अलग बाजारों में और मॉल्स के अंदर जो है हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि आप मॉल्स के अंदर भी जो इंदौर के अंदर हैं तो उनके अंदर भी पूर्ण रूप से अगर लाइट लगेगी तो इससे एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रवेश पास के जरिए होगा। शहर के 5 स्थानों से पास का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल की क्षमता के लिहाज से ही पास दिए जाएंगे। निर्धारित संख्या पूरी होते ही पास वितरण बंद कर दिया जाएगा। यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे। शहर के गौरव दिवस का मुख्य आयोजन 31 मई को नेहरू स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम के लिए नगर निगम, खजराना गणेश मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर, AICTSL, 56 दुकान और सराफा बाजार से पास वितरण करेगा। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि पास पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित किए जाएंगे। एक व्यक्ति को 2 पास ही दिए जाएंगे। पास पर एंट्री गेट और पार्किंग के स्थान की जानकारी भी रहेगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अपने साथ पानी और स्वल्पाहार भी ले जा सकेंगे। जो पासेस की व्यवस्था की गई है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे की गई है और शहर भर में हम लोगों ने ऐसे 5 स्थल बनाए हैं जिसमें जाकर के कोई भी व्यक्ति अपना कोई आईडी कार्ड दिखा करके पास प्राप्त कर सकते हैं। ये निःशुल्क पास रहेंगे, लेकिन ये पासेस एक व्यक्ति को अधिकतम 2 पासेस ही दिए जा सकते हैं। तो ये 5 स्थानों पर जो व्यवस्थाएँ हैं, खजराना गणेश मंदिर, रणजीत हनुमान मंदिर, AICTCL का ऑफिस है, 56 दुकान है, सराफा है, इन जगहों पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं और इनसे लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर रहेगा तो जो संख्या हम लोगों ने निर्धारित की है उसके अनुसार ये पासों का वितरित किया जाएगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों में साज सज्जा के साथ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं कई जगह धार्मिक आयोजनों की शुरुआत भी हो चुकी है। जूनी इंदौर स्थित बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है।
प्रथम दिवस शुक्रवार को नवचंडी पाठ के साथ इसकी शुरुआत हुई। दूसरे दिन शनिवार को सुबह 6 बजे से भक्त मंदिर पहुंचे और भगवान का तेल से अभिषेक किया। 29 मई को सहस्त्र पुष्पों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। 30 मई को शनि जन्मोत्सव पर एकादश कुंडी महायज्ञ होगा। दोपहर 12 बजे महाआरती के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। समापन 11 जून को भंडारे के साथ होगा। भगवान श्री शनिदेव जी का जन्मोत्सव ज्येष्ठ की अमावस्या पर मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में सोमती अमावस्या 30 मई को श्री शनिदेव जी का जन्मोत्सव बालस्वरूप शनिदेव मंदिर पर धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 11 जून को भंडारा महाप्रसादी के साथ किया जाएगा। इसी प्रकार उषा नगर स्थित गजासीन शनि मंदिर में शनिवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहले दिन यज्ञ किया जाएगा जो रविवार को भी चलेगा। सोमवार शाम 6 बजे पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद अन्नकूट का आयोजन होगा। रविवार सोमवार तीनों दिन यहाँ पर मंदिर पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और रविवार को भी यज्ञ रहेगा। सोमवार के दिन शाम को पालकी यात्रा निकलेगी, 6 बजे से पालकी यात्रा रहेगी, जिसके बाद अन्नकूट का भी आयोजन किया जा रहा है। चोइथरा मंडी में प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट दर्ज की गई। छोटा प्याज 2 रुपए किलो तो लहसुन 8 रुपए किलो बिका। दामों में हुई गिरावट का कारण व्यापारी बाहर से आने वाली डिमांड कम होना बता रहे हैं। इंदौर सहित पूरे मालवा अंचल में अधिक गर्मी के कारण मंडी में प्याज पहुंचने में देरी हो गई है, जिसके कारण अब एकाएक प्याज की आवक बढ़ गई और इस वजह से दामों में कमी आ गई है। थोक बाजार में छोटा प्याज 2 रुपए से 4 रुपए प्रति किलो बिका तो बड़ा प्याज 8 से 10 रुपए प्रति किलो। लहसुन में भी वायरस लगने से आवक फिलहाल कम है। प्याज और लहसुन के अन्य प्रदेशों से आने वाली मांग भी काफी कम है, इस कारण दामों में गिरावट है। गौरतलब है कि मई माह तक मंडी में आम तौर पर प्याज 12 से 14 रुपए प्रति किलो होता है तो लहसुन 40 से 50 रुपए प्रति किलो। मुख्य वजह जो देखने को मिल रही है वो ये है कि बाहर की लोडिंग कम है। इंदौर की मंडी मुख्य रूप से लोडिंग मंडी है, नीलामी होती है, गाड़ियाँ लोड होकर दिल्ली बम्बई कलकत्ता अलग अलग शहरों में जाती है। इंदौर इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, बड़ी मंडी है। बाहर भाव कम होने से इंदौर में ग्राहकी लेवाली कम है, लोडर लोगों के पास काम कम है अभी। इंदौर नगर पालिका निगम ने बारिश पूर्व की जाने वाली तैयारियों में तेजी ला दी है। बारिश से पहले किए जाने वाले कार्यों को लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बैठक ली और इसमें अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर विशेष निर्देश दिए। वाटर हार्वेस्टिंग में लापरवाही बरतने वाले अधीनस्थों को जमकर फटकार भी लगाई। बारिश का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है, ऐसे में नगर निगम ने बारिश से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बारिश से पहले छोटे और बड़े नालों की सफाई, गड्ढों के भराव और जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था और स्टॉर्म वाटर लाइन का अधूरा काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निगम आयुक्त ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए प्रत्येक वार्ड में प्रभारी की नियुक्ति की है। यह प्रभारी वार्ड के रहवासियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें इसकी स्थापना के तौर तरीके समझने में मदद करेंगे। आज की मीटिंग जो अपना बारिश के पूर्व की तैयारियां हैं उनको लेकर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स की जो काम लगातार पूरे शहर में चल रहा है उनको लेकर के हैं। इस पूरी व्यवस्था में चूंकि हर वार्ड का एक इंजीनियर प्रभारी बनाए गए हैं जिनको ये दायित्व दिया गया है कि वो लोगों से बात करके उनको समझा के उनको टेक्नोलॉजी बता के रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगवाने का काम करेंगे और यूनिट लगने के बाद उसकी जियो टैगिंग भी कराएंगे, तो उसी की मीटिंग आज हुई है। इसके अलावा स्टॉर्म वाटर चूँकि बारिश से पहले के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी बढ़ता है वहाँ की क्या व्यवस्था बनाई है, जो स्टॉर्म वाटर की लाइंस डलने का काम है वो जहाँ जहाँ होना है वो प्राथमिकता से बारिश से पहले निपट जाए, तो इसलिए ये मीटिंग ली गई है। बारिश के पूर्व की तैयारियों की सभी पॉइंट्स की समीक्षा इसमें की जा रही है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के विदुर नगर में प्लॉट के नाम धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इसमें पिता पुत्र मोहम्मद हुसैन और हुसैन अली ने एमजी रोड के रहने वाले महेश राठी से प्लॉट के नाम पर 6.5 लाख रुपए लिए थे। जब महेश को पता चला कि प्लॉट आरोपियों के नाम पर नहीं है तो उसने रुपए वापस मांगे, लेकिन आरोपी पिता पुत्र ने इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपियों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। ये विदुर नगर का घटनाक्रम है जिसमें कि मोहम्मद हुसैन और हुसैन अली दो आरोपी हैं, ये पिता पुत्र हैं, और इन्होंने एक महेश राठी जो एमजी रोड के हैं उनसे 6,50,000 रुपये लिया था एक प्लाट के एवज में कि ये प्लाट वो बेचेंगे। तो जिसकी जांच की गई थी तो ये पता चला कि ये प्लाट जो है आरोपी गणों के नाम ना होकर के किसी दूसरे के नाम है, और इस तरह से उसका पैसा भी वापस नहीं कर रहे थे,
और उसको फर्जी प्लाट की नियुक्ति करा दी थी, जिस पर से 420/67/68 का मुकदमा कायम किया गया था और आज जो है दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। चंदन नगर थाना क्षेत्र के मदीना मस्जिद के पास रहने वाला दिलावर खान नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस उसका मेडिकल करवाने की बात कर रही है। हमारे क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को लेकर गया था बहला फुसलाकर, विशेष वर्ग का लड़का, तो लड़की को दस्तयाब कर लिया गया है, उसके कथन वगैरह हो गए हैं और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, तो उससे पूछताछ अभी जारी है। हाँ, मेडिकल में ये तो है कि उसके किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक पूछताछ हो जाएगी, उसके बाद में जो भी बढ़ेगी धारा बढ़ा देंगे। सर, ये दोनों आरोपी कहाँ के रहने वाले? दो नहीं, एक आरोपी है उसमें, एक आरोपी है। क्या बैकग्राउंड है? वो ड्राइवर है आरोपी और अपने चंदन नगर क्षेत्र का ही है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अमर पैलेस कॉलोनी निवासी रेखापति किशोर साहू अपने बच्चों के साथ विजयनगर में किसी विवाह समारोह में गई थी। लौटते समय वह चोइतराम चौराहे पर बस से उतरी और रीजनल पार्क की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने पता पूछने के बहाने उनका मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें आरोपी दिखाई दे रहे। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। रीजनल पार्क रोड पर जो शमशान घाट है उसके सामने एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग हुई थी। महिला चूंकि विजयनगर से शादी में शामिल होकर के और वापस अपने घर अमर पैलेस के लिए आई थी, वो रीजनल पार्क वाले रोड से जा रही थी अपनी बेटी के साथ में अपने घर। तो इसी दौरान दो लड़के बाइक पर सवार होकर के आए और पीछे जो लड़का बैठा था वो उतरा और उसने पूछा कि गाड़ी अड्डा कहाँ है। इस टाइप से उसको थोड़ा सा बातों में उलझाया, उसके पास गया और उसके गले में से झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र निकालकर भाग गए। सीसीटीवी कैमरा में एक बाइक है जिसपे दो युवक सवार नजर आ रहे हैं। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने पशु क्रूरता का प्रकरण दर्ज किया है। टीआई मनीष डाबर ने बताया, दीपक बंसल, रामू लोहार और करण सिंह लोहार लोडिंग वाहन में 8 बछड़े लेकर जा रहे थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सनी नाम व्यक्ति को बछड़े देने का बताया। पुलिस ने सनी को हिरासत में लिया तो उसने बताया वह बछड़े खरीदने और बेचने का काम करता है। मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता का प्रकरण दर्ज किया है। हाट से खरीदे थे और यहाँ पे सनी नाम के व्यक्ति को यहाँ उसके बाड़े में रखने उसको सनी नाम के व्यक्ति को देने के लिए आ रहे थे। पूरी पूछताछ की सनी को भी कब्जे में, उसको अभिरक्षा में ले लिया है। उससे पूछताछ के दौरान उसने बताया कि सर हमारा ये मतलब ढोरों का, मवेशियों का खरीदने और बेचने का धंधा है, उसी के लिए हम लोग लाए थे। आम के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश का दशहरी आम शहर पहुंच चुका है। शनिवार को चोइतराम मंडी में मुहूर्त का पहला सौदा हुआ। व्यापारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। व्यापारी सनी धवन ने बताया, पहले मुहूर्त में यूपी का दशहरी आम 45 से 60 रुपए के भाव पर नीलाम हुआ। आने वाले दिनों में आवक बढ़ेगी और कीमतें टूटने की भी संभावना है। जी, आज पहला मुहूर्त हुआ है, सब व्यापारी भाइयों को इस चीज की बधाई देना चाहता हूँ मैं। आज पहला दशहरी का यूपी का आम का मुहूर्त हुआ है जो 45 रुपए से 60 रुपए मंडी में नीलाम हुआ है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसकी आवक दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, साउथ के आम की आवक कम होती जाएगी। जी, ये जैसे अभी मुहूर्त का आम है तो निश्चित तौर पर नई फसल महंगी बिकती है, आने वाले समय में काफ़ी भाव टूटने की उम्मीद है और ये बोलना अभी पक्का नहीं है क्योंकि इंदौर में दशहरी आम के छाने वाले ज़्यादा हैं। दिल्ली बम्बई से ज़्यादा दशहरी आम इंदौर में चलता है तो हो सकता है ज़्यादा रेट ना टूटें, लेकिन रेट अवश्य टूटेंगे। 150 से अधिक रियल स्टेट रियल्टर्स ने मिलकर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एसोसिएशन ऑफ इंदौर रियल्टी एक्सपर्ट का गठन किया है। यह एसोसिएशन रियल स्टेट फील्ड में करियर स्थापित करने वाले युवाओं को शिक्षित करने के साथ ही ग्राहक व बिल्डर्स के बीच पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता में एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर गजेंद्र सिंह नारंग ने दी। एसोसिएशन ऑफ इंदौर रियल्टी एक्सपर्ट्स, जिसे हम एयर बोलते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हमारे जो बिल्डर्स हैं और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं इनके बीच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्थापित करके हम उन्हें अच्छे से प्रॉपर्टी दिलवा पाएँ, उनकी प्रॉपर्टी बिकवा पाएँ, यह इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। CSR, जिसके अंतर्गत हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, इन सभी उद्देश्यों के साथ में हमारी ये एसोसिएशन ऑफ इंदौर रियल्टी एक्सपर्ट्स यानी कि एयर का आज गठन हुआ है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।